एपिसोड 214 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। चैन अपने मन में बोलता है, ये मुकाबले से मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ, अब मुझे जल्दी से मैजिकल फ्रूट को खोजना होगा। यह पास इमॉर्टल के पास बहुत ही बढ़िया सामान होगा, चलो ले लेता हूँ। तभी अचानक से उस पर कोई हमला कर देता है। चैन बोलता है, ये किस तरह का फीलिंग है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, बोलती है, जो टाइम और स्पेस के रूल को बर्बाद किया है, आखिरकार मैं तुम्हें खोज ली हूँ। चैन बोलता है, तुमने अभी मेरा और ये बोतल का लिंक को काट दिया था ना, तो तुम इसिन सेक्टर से हो ना, वही लोग यूनिवर्स के अफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, तो तुम शायद सेक्टर लीडर होगी। और तुम ये बोल रहे हो कि तुम रीइंकार्नेट ऑलमाइटी इमॉर्टल हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग तुम्हारा विश्वास कर लिया है, लेकिन मैं ये देख सकती हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा ताकत है जिससे तुम पूरे यूनिवर्स को बदल सकते हो। ये ताकत मुझे दे दो, मुझे ये ताकत चाहिए। फिर वो उस पर हमला कर देती है। चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है, ये तो मुझ पर हमला नहीं कर रही है, ये मेरे ताकत पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ भी चैन का फोटो देख के बोलती है, मास्टर आप कब आओगे, क्या आप हमें भूल गए हो क्या। तभी अचानक से उसका लिंक कट जाता है और वो फ़ोन को देख के बोलती है, ये कौन है, ये इतना क्यूट लड़का असल में है कौन। एक आदमी चैन का स्टैचू को देख के बोलते हैं, यहाँ पर किस आदमी का मूर्ति बना दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह है कौन। चैन बोलता है, फैमिली और फ्रेंड के यादों से मैं हट रहा हूँ, तुमने ये कर मुझे बहुत ही गुस्सा दिला दिया है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाऊँगा, आज मैं तुम्हें मार डालूँगा यहीं पर। वो लड़की बोलती है, ओ तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुम बहुत ही कमज़ोर हो और तुम अपने आप को ताकतवर दिखा रहे हो। चैन बोलता है, कमज़ोर, आज मैं बताऊँगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। फिर वो अपना तलवार से उस पर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है, मुझे पता है कि मेरे पास अभी मैजिकल फ्रूट नहीं है जो अभी मेरी मदद करेगा, लेकिन मेरे पास अभी ताकतवर हथियार है जिसे मैं तुम्हें आराम से हरा दूंगा। फिर वो हथियार को उसकी ओर फेंक देता है। फिर वो लड़की वो हथियार को एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने मन में बोलती है, ये मुझे मारने के लिए अपना लेवल भी कम किया है, मुझे मारने के लिए ये अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, मैं इसकी तरह इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ, अगर मैं इसे मुकाबला करूँगी तो मैं पक्का हार जाऊँगी। रुको, अब मैं समझ गई, यही रीज़न है कि तुम्हारे पास इतना अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं तुम्हारी सभी अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब कर लूँगी तो मैं ब्रेक थ्रू करके ट्रिबुलेशन स्टेज में पहुँच जाऊँगी और मुझे एक मौका मिलेगा टू इमॉर्टल वर्ल्ड में जाने का। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना ताकत का इस्तेमाल कर सकती हूँ, इससे मेरा लेवल कम हो जाएगा, लेकिन ये मुकाबले के बाद मेरा ताकत पहले से और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर वो चैन पर हमला कर देती है। चैन बोलता है, धत्तेरी की मुझे क्या हो रहा है। वो लड़की खुश होकर बोलती है, आखिरकार मैं कामयाब हो गई। फिर वो चैन के सभी अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब करने लग जाती है और बोलती है, अगर मैं इसके सभी अपॉर्चुनिटी को एब्जॉर्ब कर लूँगी फिर मेरे पास यूनिवर्स को कंट्रोल करने का ताकत मिल जाएगा मुझे, और मैं आराम से ट्रिबुलेशन स्टेज में पहुँच जाऊँगी। रुको, ये लड़ क्यों नहीं रहा है, कि ये हार मान लिया है क्या, नहीं कुछ गड़बड़ी लग रहा है, मुझे पहले इसका सभी एब्जॉर्ब करना होगा ताकत को। फिर वो उसके ताकत को एब्जॉर्ब करने लगती है, लेकिन कुछ होता नहीं है। चैन बोलता है, आखिरकार तुम्हें पता चल गया, लेकिन बहुत ही बुरा हुआ कि ये बहुत ही लेट हो गया है। फिर चैन अपना सभी ताकत को फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी तब भी बोलती है, सही में ये ऐप बहुत ही बेकार है, मेरे फ़ोन में ये किसका फ़ोटो है। तभी चैन का यादें फिर से उसमें आ जाता है और बोलती है, डीटी चैन, नहीं मेरे मास्टर, मैं आपका दिन रात इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाइए। फिर धीरे धीरे सभी को चैन दोबारा याद आ जाता है और वो लोग मूर्ति को देखते हुए बोलते हैं, ये तो वही ट्रू इमॉर्टल है ना, जो सबसे ताकतवर है, जिसका नाम चैन बैक्सियन है। चैन बोलते हैं, ये एकदम सही है, तुम्हारा रील और स्ट्रिंग का ताकत सही में बहुत ही बढ़िया है। वो औरत बोलती है, रुको, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरे सभी ताकत को एब्जॉर्ब कैसे कर सकते हो। फिर चैन अचानक से उसके पास पहुँच जाता है और बोलता है, तुमने ये लाइन को क्रॉस किया था, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम अभी कौन से लेवल में हो, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट में ना। वो औरत बोलती है, बताओ मुझे, तुम एक डिवाइन लेवल हो, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। चैन बोलता है, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें विश्वास हो रहा है कि मैं रीइंकार्नेटेड हूँ, लेकिन तुमने ये सोचा नहीं है कि मेरा दिमाग सभी ताकत को एब्जॉर्ब कर सकता है, यही रीइंकार्नेशन का ताकत होता है। फिर वो औरत वहाँ पर बैठ जाती है और बोलती है, ये सब हो रहा है तो मेरी वजह से हो रहा है ना। तभी अचानक से उस पर बिजली कड़कने लग जाता है। चैन बोलता है, रुको, ये तो यूनिवर्स का बेसिक प्रिंसिपल है, इससे तो ये जल्दी ट्रिबुलेशन स्टेज में पहुंच जाएगी। तभी वो फायर हैमर से उस पर हमला कर देता है और आगे देख के बोलता है, धत्तेरी की मैं मिस हो गया। वो औरत बोलती है, तो इसे ही असली ताकत बोला जाता है ना।
अब मुझे यूनिवर्स का बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया है। अब मेरे ऊपर कोई भी हमला का असर नहीं होगा। अब तुम मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हो, मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगी। चैन बोलते हैं, यूनिवर्स के सभी एनर्जी बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है सिवाय एक को छोड़ के। फिर वो बिजली से उस पर हमला कर देता है और वो कुछ ही देर में राख में बदल जाती है। चैन बोलता है, चलो मैं सभी ताकत को एब्जॉर्ब कर लिया हूँ, अब समय आ गया है मेरी क्वांग को बचाने का। तभी वहाँ पर बहुत सारे जहाज आ जाते हैं और बोलते हैं, हे चैन बैक्सियन। चैन बोलता है, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। तभी इमोर्टल सेक्टर का फीस बोलता है, हे चैन बैक्सियन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यूनिवर्स के कोर को तबाह करके यहाँ से बच के जाना चाहते हो क्या? वो मेरी डिसाइबल भी थी और यहाँ की लीडर भी, और वो जल्दी ही यूनिवर्स की लीडर बनने वाली थी, लेकिन तुमने मार डाला उसे। लिन बोलता है, जीन मेरा बेटा था, मैंने आखिरी बार उसके दिमाग में तुम्हारा ही चेहरा देखा था, तो इसका मतलब तुम ही उसे मारे हो ना। ट्रॉन्ग बोलती है, तुम पास इमॉर्टल को मारने के लिए किस ताकत का इस्तेमाल किए थे? चैन बोलते हैं, तुम लोग एक साथ इतना सारा सवाल क्यों पूछ रहे हो? रुको, मैं एक ही बार तुम सभी का जवाब दे देता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैंने पास इमॉर्टल को मारा है और साथ ही साथ इरीन सेक्टर का फैन और जीन को भी, वो लोग भी मेरे हाथों से मरे हैं। लिन बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि तुम्हें जैनू सेक्टर का ताकत कहाँ से मिला है, लेकिन तुम जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर मुसीबत पैदा करोगे, इसलिए मैं सभी सेक्टर के लिए तुम्हें मार दूंगा, जिससे आगे चलकर तुम्हारी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चैन बोलता है, सही में तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे मार सकते हो? सही में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। लिन बोलता है, तुम एक डिवाइन लेवल में हो, तुमने अभी दो टाउर यूनियन को मारा है, तुम इससे बहुत ही ज़्यादा थक गए होगे। ताकतवर बनने का नाटक छोड़ दो, तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर वो अपना हथौड़ा से उस पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, सही में तुम्हारे फैमिली में कोई भी टैलेंट नहीं है, मैं एक ही हमला बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो उसके पापा हो, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। फिर वो जेनू सोर्ड से वो हथौड़ों के बीच से काट डालता है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, जेनू सोर्ड, ये तो हमारे सेक्टर का सबसे बड़ा सीक्रेट अटैक है। चैन बोलता है, हाँ मैं ये पहले सुन चुका हूँ। फिर बोलता है, मुझे ये जेनू सेक्टर के मास्टर से जानना है इस बारे में। लू बोलता है, तो इसका मतलब जेनू सेक्टर का सभी सीक्रेट अटैक कोई भी सीख सकता है क्या? ट्रॉन्ग बोलती, मुझे जानना है कि इसका जेनू मास्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर लिन चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम हो कौन? तुम जेनू मास्टर को क्यों मारना चाहते हो? फिर चैन हंसने लग जाता है और बोलता है, पिछले जन्म में तुम ये सेक्टर के मास्टर हुआ करते थे, तुम्हारा बेटा मेरा क्वांग को ले गया था और मुझे मार डाला था, फिर वो मुझे बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गई। लिन गुस्से से बोलता है, हे तुम हंस क्यों रहे पागल कहीं के? क्या तुम अपने आप को भगवान समझ रहे हो क्या? मुझे समझ में आ गया, तुम क्वांग के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो ना, ये सब मुसीबत पैदा करके तुम लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हो। चैन बोलता है, बकवास बंद करो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन बोलता है, तुम तो एक डिवाइन लेवल हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हमला करने का हिम्मत कर रहे हो। फिर वो अपना हथौड़ा से चैन का हमला को रोक देता है। चैन बोलता है, क्या यही तुम्हारा थंडर का ताकत है? लगता है कि मुझे अब अपना असली ताकत दिखाना ही होगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है, लीज बाहर आ जाओ। लिन ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो जल्दी से शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी चैन अपने लीज से उस पर हमला कर देता है। वो हमले से शील्ड के साथ उसका भी दो टुकड़ा हो जाता है।